शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है वो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हिंदुओं की जो है उनको लक्षित हत्याएं की जा रही हैं, उन पर आतंकवादी हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सीमा पार से पाकिस्तान की गुस्ताखियां भी जो है वो जोर पकड़ती जा रही हैं। अब समय आ चुका है, पाकिस्तान के पाप का गड़ा भर चुका है। हम एक तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अपनी बयानबाजियों से आगे बढ़कर पाकिस्तान को कड़े शब्दों के अंदर सबक सिखाया जाए, उन पर हमला किया जाए और वो लगातार जो हमें वादा किया जा रहा है सदन के पटल से भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री वादा कर चुके हैं कि बहुत जल्द पीओजेके जो है वो भारत का हिस्सा बनेगा, तो अब समय आ चुका है कि पीओजेके के ऊपर हमला करकर उसको वापस जो है भारत का हिस्सा बनाया जाए। देखिए पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था, हमारे हिंदू भाइयों को निशाना बनाया जाता था, अब कश्मीर में कार्यरत हर उस इंसान को हर उस कर्मचारी को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम समुदाय का नहीं है, आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है और अब जम्मू संभाग के अंदर भी आतंकवादियों ने जो है बहुत तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल ही के अंदर जो रजौरी के अंदर नरसंहार किया गया, जो हिंदुओं पर हमले किए गए वो पीओजेके वेस्ट पाक रिफ्यूजी के जो है विस्थापित थे जिनको उनका आइडेंटिटी कार्ड देकर उनको पहचान पत्र उनका देकर जो है उनको टारगेट किया गया, हमले किए गए उनके ऊपर, जिसके ऊपर हमें आशंका है कि इसमें पाकिस्तान की बैड फोर्स का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान के इशारे पर जो सक्रिय है यहां पर उनकी कठपुतलियां उनका हाथ हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारी मांग है कि जो सीमावर्ती इलाके के जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनको हथियार और उसका जो है लाइसेंस उनको सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाए ताकि वे अपनी आत्मरक्षा कर सके। वीडीसी को जो है मजबूत किया जाए, जितनी भी विलेज के अंदर डिफेंस फोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पर डिप्लॉय किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के अंदर जो भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को कड़े शब्दों के अंदर सबक सिखाया जाए, पीओजेके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए।